अस्सलामुअलैकुम ऑल माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिकी हसान व्लॉग। तो आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक ये है कि हम किसी की वीडियो अपलोड किस तरह करें तो हमारे चैनल पर कॉपीराइट ना आए। तो मैं आपको वो आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो ज़रूर लंबी होगी मगर फ़ायदे वाली होगी, एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपके पास एक ऐप का होना लाजमी है, वह काइन मास्टर। आपने वो डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से या गूगल क्रोम से, कहीं से भी आपने डाउनलोड कर लेनी है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। अब इसमें ओपन करके अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप न्यू प्रोजेक्ट लेना है, यहाँ पर प्लस का निशान आ रहा है, आपने इसके ऊपर 16:9 सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने जो वीडियो अपलोड करनी है वो आपने क्या करना है, आपने या तो अगर यूट्यूब से उठानी है तो आपने क्या करना है, वो काइन क्या ना विडमेट से कहीं से भी डाउनलोड कर लेनी है, उसका लिंक लेके वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लेनी है। या आपने अगर कोई रिकॉर्ड करनी है यूट्यूब से स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यूट्यूब की वीडियो चला के स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। मैंने क्या किया, मैंने जो PSL का जो आज मैं आई था कराची और कोयटा का, उसकी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। ये है मेरे पास, मैंने ये इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। मैं क्या करूँगा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसकी वॉइस चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको वॉइस चेंज चेंजर में लेके जाता हूँ। आपने वॉइस कोई भी चेंज कर लेनी है जिससे आपकी वॉइस समझ में आए, ये ठीक नहीं सूटेबल आपने। अभी नहीं सही, जो आप जो आपको बेस्ट लगे आपने वो करना। सेलेक्ट कर लिया, मैं क्या करूँगा इसकी जो यहाँ पे क्या नाम है वो होगी स्पीड होगी, वो मैं स्पीड भी ज़रा वो कर ज़्यादा कर दूंगा। यहाँ पे लिया था, इधर मैं ले आया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ठीक है, यानी कि स्पीड भी तेज होगी। और अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके ऊपर कोई ऐसी एनिमेशन ऐड कर देनी है जिसकी वजह से हमारी वीडियो वीडियो भी एक्सेस ना हो। साउंड तो अब एक्सेस नहीं होगा, वीडियो भी एक्सेस नहीं होगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मीडिया में जा रहा हूँ, लेयर में मीडिया में जा रहा हूँ, और मैंने जो है ना यहाँ पे इफ़ेक्ट्स कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अब जैसा कि मैं ये हार्ट वाला इफ़ेक्ट है ये मैं ऐड कर देता हूँ, मैं इसको फुल स्क्रीन इस तरह कर देता हूँ और मैं इसके ऊपर कर देता हूँ ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन पे कर दूँगा। अगर ये देखें ये चलेगी तो हार्ड निकल। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है ना हमने इस तरह ही कॉपी बना लेनी है, कॉपियाँ बना लेनी है, और कॉपी बना के हमने क्या करना है, हमने इसको आगे तक आखिर तक ले जाना है। तो मैं तब तक कॉपियाँ बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं उसकी कॉपियाँ बनाने के बाद वीडियो दोबारा शुरू करता हूँ। अच्छा, तो मैंने ये जो है इसकी कॉपियाँ बना ली हैं, यानी कि सारे मैंने इफेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखें मैंने सारी वीडियो पर ऐड कर दिए। तो आपने अब करना क्या है, आपने सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है, इस ये जो राइट कॉर्नर अपर कॉर्नर में है ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर आपने क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हो रही है, जैसे ही एक्सपोर्ट होती है तो मैं वीडियो दोबारा शुरू करता हूँ, ठीक है। ये वीडियो है ये एक्सपोर्ट हो गई है, ठीक है। तो अब वीडियो एक्सपोर्ट हो गया, तो अब मैं आपको अपलोड करूँगा, अपलोड करके आपको प्रूफ भी दूँगा कि कॉपीराइट नहीं आएगा इंशाल्लाह। अब आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम खोल लेना है, गूगल क्रोम पे जाके आपने यूट्यूब स्टूडियो गूगल क्रोम पे ओपन करना है, ठीक है। जब गूगल क्रोम पे आप ओपन कर रहे हैं आपने वहाँ पे वो आईडी ऑन करनी है जो आपके रियल यूट्यूब चैनल ना हो। अगर आप उस पर करेंगे तो वैसे इसका नुकसान तो कोई नहीं होगा, वैसे फिर भी एहतियातन आपने पहले उस पर अपलोड करके देखनी है किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। कि यानी कि जो आप जिसके ऊपर कोई आप वीडियो अपलोड ही ना की हो या न्यू बना लेनी है उस पर, ठीक है। मैं क्रिएट पर जाऊँगा, अपलोड पे जाऊंगा, अपलोड पे गया तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो आ जाएगा कि कौन सी वीडियो।
डाउनलोड सॉरी डाउनलोड मनी वीडियोस एक्सपोर्ट्स, जो अभी मैंने एक्सपोर्ट किया वो ये है, तो ये एक्सपोर्ट किया ये हो रही है। तो अभी तक अभी हमने इसको छेड़ना नहीं है, पहले हमने इसको चेक करना है। ये जो चेक का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ये जो चेक का ऑप्शन आ रहा है आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला चेक का ऑप्शन आपने इस पर इसको ऐसे बल्कि छेड़ना नहीं है, इसको इस तरह रहने देना है। तो देखना जब ये ब्लू हो जाएगा तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है, अगर रेड हो गया तो समझो इसके ऊपर कॉपीराइट है। तो अब ये देखें जी, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाऊं कि ये अभी चेक का जो निशान आ रहा है ये ब्लू हो चुका है, यानी कि इसका मतलब आपकी वीडियो में कोई कॉपीराइट शामिल नहीं। अब अगर आप इस पर क्लिक भी करके चेक कर लें, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, नो इशू फाउंड, ठीक है। देखो नो इशू फाउंड लिखा आ गया। तो आगे इसके एक और तरीका भी है, इसके आगे ब्लू ग्रीन कलर का टिक लगा होगा, ये देखिए ये ग्रीन कलर का टिक लगा है, तो इसका मतलब कॉपीराइट इस पर नहीं है। तो ये आज की वीडियो मैंने इसके बारे में बताई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से हर नई आने वाली बहुत अच्छी वीडियो इस तरह की आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।